ये टाइम और आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो जितनी जल्दी आप इसको सीख लेते हैं, अपने कामों के लिए यूज करते हैं, उतनी ही जल्दी आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं और अपने कामों को आसान बना सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली नवंबर 2022 में ओपन एआई ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी लॉन्च किया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अपने बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं, आप अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं, इससे आप कोई भी ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हैं, टिप्स और सजेशंस ले सकते हैं, नए नए आइडियाज ले सकते हैं और इसको यूज करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी यूज करके दिखाने वाला हूँ कि इसको आप कैसे यूज करेंगे और किन किन कामों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी यूज करने के लिए आपको openai.com पर आना होगा। इसमें आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्राई, इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, इसके लिए आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालकर कंटिन्यू करेंगे या फिर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे। अपना जीमेल अकाउंट चूज कर लेंगे जिससे आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, अब आप इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे या कोई भी इसको कमांड देंगे तो ये आपके लिए वो काम कर देगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको इससे जो भी क्वेश्चन पूछना है या जो भी काम कराना है वो आप यहाँ पर टाइप करके एंटर करेंगे। जैसे कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैं इससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन टाइप किया, एंटर करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। जो भी आपके सामने आंसर आता है, अगर आपको वो किसी और स्टाइल में चाहिए तो आप रीजेनरेट पर क्लिक करेंगे, ये आपको उसी आंसर को किसी दूसरे स्टाइल में देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टू आंसर्स हैं, पहला आंसर ये है और सेकंड आंसर ये है। जैसे आप इससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर एक चैट क्रिएट हो जाती है, इसको आप कोई नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि आप अलग अलग चैट क्रिएट कर सकते हैं, कोई मैथ के लिए, ब्लॉग के लिए, कोडिंग के लिए। तो जैसे कि ये मैथ के लिए है, यहाँ पर मैं मैथ लिखकर इसको सेव कर देता हूँ। इसी चैट में आप जो चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो न्यू चैट पर क्लिक करके एक न्यू चैट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पिछली चैट में जाना है तो आप यहाँ क्लिक करके पिछली चैट में भी जा सकते हैं। अब जैसे कि मैं इससे एक और क्वेश्चन करता हूँ, मैंने क्वेश्चन टाइप किया, एंटर करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे लिखवा सकते हैं, ब्लॉग लिखवा सकते हैं, कोडिंग करा सकते हैं, कोई आर्टिकल लिखना है तो आप इससे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, किसी चीज पर आपको सजेशन चाहिए तो आप सजेशन ले सकते हैं। तो जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये आपके लिए वो काम कर देगा। अब जैसे कि मुझे इंडिया पर एक ऐसे चाहिए तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा। इस तरह से यहाँ पर टाइप करके एंटर करेंगे तो ये आपके लिए इंडिया पर पूरा एक ऐसे लिख देगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट इसने लिखा है ये बिल्कुल यूनिक है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। तो इसको आप अपने ब्लॉग पर या जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल यूनिक है। जैसे कि यहाँ पर इसने इंडिया पर पूरा एक ऐसे लिख दिया है, तो इसको आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इंडिया के बारे में काफी अच्छा ऐसे इसने लिख दिया है। अब हमें चेक करना है कि ये कॉपीड तो नहीं है, तो इसको मैं कॉपी करके चेक करूंगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया। किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, जैसे कि मैं duplicatechecker.com पर आया हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। चेक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये यूनिक है या कॉपीड है। एंड बूम, आप देख सकते हैं 100% टेक्स्ट यूनिक है, इसको कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। तो इसको कॉपी करके आप अपने ब्लॉग पर यूज कर सकते हैं, कोरा पर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिक टेक्स्ट है। तो ये गूगल में भी रैंक काफी जल्दी करेगा। अब जैसे कि आपको कोई कोडिंग लिखनी है तो जस्ट आप यहाँ पर टाइप करेंगे, टाइप करके आप एंटर करेंगे तो ये आपके लिए कोडिंग कर देगा। सिंपली आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे कुछ बिजनेस आइडियाज चाहिए तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन टाइप करके एंटर करेंगे तो ये आपको कुछ आइडियाज देगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने कुछ ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज मुझे टाइप कर दिए हैं। तो जैसे कि आपको कोई ब्लॉग लिखना है बिजनेस आइडियाज पर, तो इस तरह से आप यहाँ पर इससे क्वेश्चन करेंगे। इसने यहाँ पर 5 आइडियाज दिए हैं, जैसे कि हम ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लॉग या कंटेंट वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स या कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वर्चुअल इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इसको आप रीजेनरेट करेंगे तो ये आपको और भी आइडियाज देगा दूसरे तरीके से। अब देखिए मैंने रीजेनरेट किया है, तो इसी चीज को अब ये दूसरे स्टाइल में यहाँ पर लिख रहा है। तो इससे आप बिना नॉलेज और बिना टाइपिंग के काफी अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। अब जैसे कि मुझे एक ब्लॉग लिखना है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा व्हाट इज एफिलिएट
एफिलिएट मार्केटिंग मैं एंटर करूंगा तो ये इस पर काफी डिटेल्स में बता देगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। इस तरह से आपको यहाँ पर यूनिक कंटेंट मिल जाएगा, इसको आप कॉपी करके अपने ब्लॉग पर यूज कर सकते हैं। किसी का बर्थडे है, आपको उसके लिए कुछ आइडियाज चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे गिव मी सम आइडियाज फॉर बर्थडे। इस तरह से आप टाइप करेंगे तो ये आपको काफी अच्छे अच्छे आइडियाज देगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, एंटर करूंगा तो ये पूरा आर्टिकल लिख देगा कि आप बेली फैट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप एक हेल्थी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस को कम करिए, अल्कोहल को अवॉइड करिए, अच्छी नींद लीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए। तो यहाँ पर एक काफी अच्छा आर्टिकल इसने लिख दिया है, ये बिल्कुल यूनिक है, इसको आप अपने ब्लॉग के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं कोरा पर काम करता हूँ, कोरा पर मैंने एक स्पेस बनाया हुआ है, उसको मोनेटाइज किया हुआ है, उसमें मुझे अपने क्वेश्चन आंसर ऐड करना है तो मैं पोस्ट पर क्लिक करूंगा ऐड क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पर हम क्वेश्चन ऐड कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया है, आस पर क्लिक करूंगा, इसका आंसर भी मुझे देना है तो मैं आंसर पर क्लिक करूंगा। और यहाँ पर इसने जो इतना अच्छा आंसर दिया है इसको मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अगर चाहे तो इसमें कुछ इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक शानदार क्वेश्चन आंसर रेडी हो चुका है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसको हम सबमिट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो ये हमारे लिए काफी शानदार आर्टिकल लिख देगा, बिल्कुल यूनिक होगा, इसको हम अपने ब्लॉग पर या कोरा पर या जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। इस आर्टिकल में इसने हमें काफी सारे ऑप्शंस बताए हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। देखिए हमारा एक काफी अच्छा आर्टिकल रेडी हो चुका है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। इस तरह से इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये आपको काफी डिटेल में और काफी अच्छा आंसर देता है। तो इस तरह से आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी सॉल्व करा सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन करा सकते हैं, अपने लिए आर्टिकल्स ब्लॉग्स लिखवा सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो आप इससे करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो गाइस, ये टाइम और आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो जितनी जल्दी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने आप को कंपेटिबल कर लेते हैं, इसको आप यूज करना सीख जाते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप अपने काफी सारे कामों को बहुत ही आसान कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।